नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर हम चर्चा जो कर रहे हैं वो है NYKS के बारे में, DYC स्पेशली हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्या था ये और प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए। काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें मिली हैं जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बहुत सारे लोगों से करने के बाद। और ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी मैं कोई प्रिपरेशन करवाता हूँ तो प्रिपरेशन कराने से पहले या उसकी जो भी ढांचा हमें पता होना चाहिए। मैं भी लगभग हर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट होता हूँ, इसलिए मतलब सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, क्योंकि सिलेक्शन ऑलरेडी जो लेना था मैं ले चुका, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे इतना पता हो सके कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे भी जानकारी हो। तो NYKS में जब मैंने फॉर्म एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो जनवरी वाले पेपर में मैंने कुछ चीज़ें पाई थी। उन चीज़ों को अब क्या होता है कि मेरे सेट में कुछ और चीज़ें हैं, दूसरे सेट में कुछ और चीज़ें हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि ऑनलाइन जब पेपर होता है क्वेश्चन पेपर भी क्या होते हैं थोड़ा डिफर होते हैं, या कि सेक्शन वाइज में अलग रहा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको मुझे याद रहती हैं, कुछ चीज़ें मैंने औरों से बात की इस प्रकार से। तो अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो NYKS के उन चीज़ों के बारे में है कि कहाँ से किन सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी हमें प्रिपरेशन करनी है और हमें किस प्रकार के मटेरियल्स इकट्ठे करने और किस प्रकार की चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि अल्टीमेट हमारी सक्सेस हमें मिलना कंपलसरी है। अब इसमें देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात चर्चा करूं तो हमें तो मुझे कुछ चीज़ें याद हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कल बैठ करके पूरा एक सिस्टम बनाया, सेटअप किया, कुछ लोगों से बात की, चर्चा की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस निकल के सामने आए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन में सबसे बड़ी पोस्ट होती है DYC, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री की है तो इसलिए तो इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर इसकी चर्चा करें हम इसमें, तो इस पे जो क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे तो आपको अच्छे से पता है कि 40-40 के 5 सेक्शन है इसमें, ठीक है, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको 120 मिनट्स आपके पास टाइम होता है। अब इस पे जो क्वेश्चन का सेक्शन जो बटा होता है वो कुछ ऐसे है कि 40 जो है आपका GK और 40 जो है आपका GS। ये GS का पैटर्न मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें स्पेशली पूछता है इकोनॉमिक और कल्चर, ठीक है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये GS में आ जाता है। और GK तो नॉर्मल GK है, तो ये इसका मार्क्स हो जाता है लगभग आपका 80। मतलब ये जो है 50% लगभग ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें 40 मार्क्स की आपकी क्या आती है, इंग्लिश आती है, 40 मार्क्स की आपकी क्वांट आता है, मतलब मैथ्स आती है, कितना हो गया आपका 80, और 40 मार्क की आपकी आती है इसमें रीजनिंग। तो आप सभी जो है इंग्लिश कर लेंगे, क्वांट कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग सेलेक्टेड हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, या सेलेक्टेड नहीं भी हैं तो आप लोगों ने SSC वगैरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रखी है जो कि अच्छी तरह से आपको इस सेक्शन के बारे में पता है। किस सेक्शन के बारे में? इंग्लिश के बारे में पता है और क्वांट पता है, उस चीज़ें पता है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे, एक तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग, दूसरा आपके ग्रामर से सीधे थे क्वेश्चन, और बहुत ही एवरेज मतलब मॉडरेट लेवल से भी कम के इंग्लिश की इसमें एग्ज़ाम में आई थी इसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ज़्यादा आपको अपने आर्टिकल्स है, क्वांट, ये जो भी चीज़ें हैं, मोडल्स है, ठीक है, इन सब पे थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे आप तो यू डेफिनेटली विल गेट सेलेक्ट इन दिस वन। मतलब इस सेक्शन में आप 25 स्कोर कर सकते हैं, 35+, क्लियर। अच्छा, तो ये रहा इसमें जो कि एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं, आर्टिकल्स का यूज़, पैसेज का है, वोकैब, ये सब चीज़ मिलाकर के कुछ में था। जो दूसरी चीज़ थी इसमें जो क्वांट है, क्वांट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके इसमें आए थे वो थे आपके परसेंटेज वगैरह पर थे, ठीक है, परसेंटेज वगैरह पर थे। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन जो पूछा गए थे आपका रेशियो है ना, और आपका बहुत सारी जो नंबर सिस्टम्स हैं, मतलब 3-4 टॉपिक ऐसे थे जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें आए थे और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए भी थे।
तो वो तीन चार टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करके रखने हैं, जैसे परसेंटेज क्लियर करके रखिए, वर्क एंड जो है टाइम कवर करके रखिए आप, ठीक। साथ में जो डिस्टेंस एंड दूरी वाली मैटर आता है उसमें, ठीक है, नाव वाले, नाव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं या ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। तो ये सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप इसको बिल्कुल कवर कर सकते हैं। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सब मतलब ओवरऑल कंबाइन मिला करके 40 क्वेश्चन में लगभग आपके 8 से 10 प्रकार की रीजनिंग पूरी पूछ रखे थे इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपल एक आपको पता है आपके कोडिंग डिकोडिंग वाली रीजनिंग इसमें सिंपल थी, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो ये जो कुछ आसान चीज़ें वह थी ही। हाँ, एजर्सन रीजनिंग भी इसमें थी, एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आपको पता है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी टिपिकल भी समझा बना देता है कभी कभी, लेकिन इस पे जो लेवल था आपका वो बैंकिंग के लगभग अप्रॉक्स, तो थोड़ा सा अगर बैंकिंग का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस पे आप एक अच्छी तरह से रणनीति बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं कि इसको कैसे करना है। उसको करने के लिए कुछ नहीं, कोई अगर बैंकिंग का सैंपल पेपर मिलता है उसको भी कर लेंगे तो भी सही, अदरवाइज हमारे यहाँ सैंपल पेपर अवेलेबल होगा ही, हम लोग पेपर टेस्ट पेपर जो बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, DYC के एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें पेपर बनाया जाएगा। ये रहा, इसके अलावा ये तो रही हमारी इंग्लिश GK और इसकी बात, क्योंकि इसमें लगभग एवरेज था सबके लिए। मैं अगर इसके लेवल की बात करूँ तो इसका लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं था, बस लोगों की कट ऑफ इसलिए कम गई, क्यों, क्योंकि दिसंबर लास्ट में मतलब जनवरी फर्स्ट तक इसका फॉर्म भरा गया, तुरंत 27, 28, 29 को पेपर हो गया। अब जब पेपर इतना जल्दी हो जाता है तो प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि जल्दी पेपर हो जाएगा, ऐसे सेम टू सेम अब इस बार भी होने वाला है। तो आप पूरा पूरे एकदम बेहतरीन रणनीति के साथ प्रिपरेशन करके चलिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इतना जल्दी होता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और अभी हम यही करके चल रहे हैं कि एक महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा, इसलिए अभी अपने आप को पूरा मतलब एकदम अपने आप को बांध लीजिए, फोकस्ड हो जाइए आप, क्योंकि अगर एक बार फोकस्ड हो गए आप तो दैट डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्ट इन दिस वन। इसके अलावा ये जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर, ये जो GK 40 मार्क्स का GK था, 40 मार्क्स GK में क्वेश्चन कुछ पूछा था, मेरे कुछ याद है मुझे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन पूछा था बजटरी सिस्टम से पूछा था, ठीक है, ठीक है, जैसे बजट वगैरह, बजट एक एलोकेशन में होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था गगनयान, ठीक है, गगनयान से क्वेश्चन पूछा था, गगनयान से क्वेश्चन में बता दो, DDA में पूछ चुका है, गगनयान से इसमें पूछ चुका है क्वेश्चन, तो ये गगनयान वगैरह वाले इस मैटर आपको देखने हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को पेड रूप में याद करिए, मैं बहुत सारी जो वो है क्या नाम है आपका लिंक सेंड कर देता हूँ या बहुत सारी सी वीडियो सेंड करता हूँ, जो कि ये जो सैटेलाइट सिस्टम गगनयान या C-70, C-34 ऐसे करके जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स, राइट। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा था राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस सिटी में है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बताया था, किस प्रेसिडेंट की जो पावर है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसको नॉमिनेट करने की पावर होती है, तो ये क्वेश्चन आया था इसके लिए। इसके अलावा क्वेश्चन आया था इसमें बुक प्राइस विनर, जैसे बुकर जो मैन बुकर प्राइज होते हैं, ठीक है, इसको मोन मैन बुकर प्राइज, तो एक बार फिर से आपको प्राइज लिस्ट देख लेनी है, आपको ये पीस वगैरह का जो नोवल प्राइज है ये आपको कंप्लीट कर लेना है, साथ साथ में इंटरफेथ स्टडी इन विच स्टेट जो भी ये भी आई थी साथ में। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आया था NSS स्कीम जो है, एम जो भी NSS स्कीम्स जो है, अभी स्कीम्स का इंपॉर्टेंट ये है, जब आप स्कीम्स करेंगे तो स्कीम में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो कि यूथ एंड डेवलपमेंट के अलावा, यूथ एंड डेवलपमेंट तो उसे कम्युनिटी के अंदर ही आ जाता है, तो कम्युनिटी वेलफेयर से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट लगभग 1 से 2 साल के बीच में सबसे महत्वपूर्ण स्कीम्स, उसको एक बार आप पूरा का पूरा डाटा दोहरा डालिए, वैसे मैं आप लोगों को पेड ग्रुप में उसे भी सेंड कर दूंगा, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है इसे पूछा था, एक पूछा था बोगीबील ब्रिज इन विच रिवर, या बोगीबील ब्रिज किस रिवर में, तो ये जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो था, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहे या इंपॉर्टेंट कुछ नई चीज़ हुई उनके बारे में चर्चा हुई। इसलिए RBI कमेटी एक्सेस एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू गवर्नमेंट, मतलब RBI कमेटी के बारे में, तो RBI कमेटी कितनी ने उसने कितना दिया, ठीक है। इसके बाद पूछा था एक है था, आपको पता है मृणाल मित्तल फेमस फॉर किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन जो थे ये एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन थे जिनसे कि क्वेश्चन हमेशा बनते ही आ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आए थे एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया के PM वगैरह है ना, और एलिफेंट हाउस जो हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जब कहाँ हुआ, PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, अमरावती जो भारत की मतलब फर्स्ट जस्टिस सिटी आपको पता, ऐसे करके बहुत जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब क्वेश्चन का जो स्तर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मतलब क्वेश्चन का स्तर बहुत नॉर्मल ही था, और उसने क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो फंसाया, जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई वही है इस सेक्शन में, सेक्शन 4 में,
सेक्शन फोर में आपका था जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटी, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से ज़्यादा थे, तो ये एक प्रॉब्लम था। जीके में सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी तरह से एक बार कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि इस जीके के अंदर आपका, इस जीके के अंदर सीधे सीधे पूछा था आपका पॉलिटी हिस्ट्री जो है पूरा ट्रेडिशनल वाला मैटर, और इस जीके से पूछा थोड़ा सा आपको करंट वाला मैटर, तो दोनों मिला करके 80 मार्क्स के थे। तो ये आपको कवर करके चलना है, इतना आपको मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क। एक मैं एक पूरा का पूरा सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अब हमें क्या करना, अभी बताता हूँ हमें क्या करना है। इसके अलावा जो मैंने मैथ्स का टॉपिक बताया था, अगर कुछ लोगों को मैथ्स का और जानकारी लेनी है तो मैं बता रहा हूँ, तो पार्टनरशिप है, रेशियो प्रिपरेशन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज है, प्रॉफिट है, DI है, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन, इससे संबंधित क्वेश्चन थे मैथ्स में। तो ये मैंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया आपको, जो कि एक मतलब मेमोरी बेस्ड था कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र पूछा, कौन से क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार की चीज़ें हैं, और अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या लेके चलना है, वो देखिए। हमने जो शुरुआत की है आप लोगों के लिए, वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो चैप्टर चल रहा है, खैर मतलब बहुत सारी वीडियो जा भी चुकी हैं, वो हम शुरू करेंगे सेक्शन फोर से। सेक्शन फोर क्यों? सेक्शन फोर इसलिए क्योंकि सेक्शन फोर के अंदर ही सेक्शन थ्री भी जुड़ा होगा, मतलब जीके का पोर्शन। तो जीके और जीएस के पोर्शन में हमने शुरू किया है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको पता है एक डेमो वीडियो मैंने डाल भी रखी है, बाकी पेड ग्रुप में जा ही रही हैं। तो उस पर क्या है कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले समझना, यूथ है क्या, यूथ की क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, किस प्रकार से यूथ का वर्क होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, ये सारी की सारा सिस्टम। साथ में कम्युनिटी के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कम्युनिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, रेशियो क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, सेक्स रेशियो क्या हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, यूथ पॉलिसी क्या है, तो ये सब चीज़ें करना। यूथ पॉलिसी के लिए हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, ये कब थे, क्या लाए गए, कब लाए गए, क्यों लाए गए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको जानते हैं तो हम बहुत बेहतर तरीके से आगे अपना स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और अच्छे तरीके से उसमें एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजी इसके लिए। इसको कोशिश ये करना है कि आपको हार्डली दोनों सेक्शन आपको 10 डेज में कंप्लीट कर देना है। हाँ जी, दोनों सेक्शन आपको 10 डेज में कंप्लीट कर देना है। अगर 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं तो आप मान के चलिएगा आप 80 मार्क्स पे अंदर आगे जा रहे हैं, PDF के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, क्लियर। उसके बाद आप 5 डेज में आप कंप्लीट कर दीजिए कि आप इंग्लिश, मैं बिल्कुल बहुत आसान लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपको करना क्या है, इंग्लिश में सिंपल पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लेनी है, ग्रामर के बाद कुछ पैसेज लगा लेने हैं, टेस्टेज लगा लेनी है, उसके बाद करना है हमें रीजनिंग। रीजनिंग करनी है आपको लगभग 10 डेज में, ठीक। अब आपके पास कितने हो गए, 10, 10, 20 and 5। अब बचा आपके पास क्या, 5 डेज। तो अब आप करिए आप मैथ्स, अगर जिनको प्रॉब्लम है, अगर जिनके साथ ये है कि नहीं उनके मैथ ठीक है थोड़ा बहुत, तो पर डे 1 घंटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जा करके मैथ्स में भी मैं आपको इंस्पेशल 7-8 टॉपिक बता दिया, उसको आप पढ़ लीजिए, या कि हमारी वीडियोस में टाइम एंड वर्क चल ही रहा है, उसको पूरी तरीके के साथ वर्क कराया जा रहा है, ताकि आप वो उसमें मतलब सेक्शन में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ले सकें। पूरी की पूरी हमारी क्लास अभी इंग्लिश मीडियम में, मैं हाँ बायलिंगुअल बोलता हूँ, मतलब स्पीक करता हूँ जो है जो ऑडियो में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मोस्ट मेरी कोशिश होती है। तो आप इस प्रकार से चीज़ें करके आप अपना एक अभी से एक एम बना लो आपको, ठीक है, इसको 30 डेज, मिशन 30 डेज रखिए आप, क्योंकि 30 डेज के अंदर इसके एग्ज़ाम की पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है हो जाएगा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं, और आपको पता होगा क्योंकि पहले ऐसा ही हो चुका है इसमें। तो इसमें और भी कुछ ऐसा नहीं है, हाँ जिन लोगों को जुड़ना है, ऐड होना है मतलब पेड ग्रुप में, तो व्हाट्सएप नंबर है 7827282211, ठीक है। अभी जो फ़ी है वो है 2500 रुपये, इसको आगे करके 3000 किया जाएगा फीस को बहुत जल्दी, ये जिस दिन भी मतलब टीम डिसाइड कर लेगी 3000 हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आर पेड ग्रुप, देन डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट डू व्हाट्सएप 7827282211, ओनली जस्ट यू हैव टू राइट एडमिशन इन DYC KYC KYS DYC ओनली, एंड प्लीज़ वही लोग करें जो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हु इज अ वेरी सीरियस कैंडिडेट एंड दे आर विलिंग टू टेक अ पेड ग्रुप। सो अदरवाइज बाकी तो आप लोग कमेंट आते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ।
किसी प्रकार का दिक्कत होती, कुछ परेशानी होती तो ज़रूर मुझे बताएं। और बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हमारी स्टार्ट हो रही है, तो टेस्ट सीरीज़ का भी हमारा शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा आपका। 5 अप्रैल शुरू हो जाएगी टेस्ट सीरीज़ आपकी, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आप DYC KYS के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की जो हमारी जो फ़ी रखी गई है अभी 1000 रुपीज़ है, जिसमें आपको लगभग 12 से 15 टेस्ट सीरीज़ को प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप पूरी तरीके से अपना एकदम श्योर हो जाइए कि आपको करना है, देन आप ये आप एडमिशन लीजिए इसमें। ठीक है, ओके दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।